और बिहार की राजधानी पटना में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक से एक दुकान में जोरदार ब्लास्ट हुआ और उसके बाद दुकान में भीषण आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरी दुकान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई क्योंकि जिस दुकान में आग लगी वहाँ सिलेंडर रिफिलिंग का काम होता था, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत की जाती रही। वहीं बताया गया कि बैरिया इलाके में बनी इस दुकान में अवैध तौर पर गैस रिफिलिंग का काम होता है और गैस रिफिलिंग के दौरान ही अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पुतिन ने बहुत बड़ा कर्ज लिया है, ताकि किसी भी कीमत पर जेलेंस्की की सेना से जंग लड़ रही रूसी फौज को हथियारों की कमी न पड़े, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पिछले 9 महीने से यूक्रेन की सेना पर बम बरसाते बरसाते रूस के हथियारों का खजाना खाली हो गया है। जेलेंस्की की सेना की कमर तोड़ने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलों की बौछार की।